मैं आशीष गर्ग, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने 65,000 सदस्य और 3,00,000 विद्यार्थियों की ओर से मेरे मीडिया के पधारे हुए सभी मित्रों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ हैं पलक अरोरा, जो जम्मू चैप्टर की यहाँ की चेयरपर्सन हैं। दोस्तों, आज आप सबसे रूबरू होने का एक विशेष अवसर है, एक विशेष मौका है, जिसको मैं आप सब लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान कंपनी सचिवों की एक प्रीमियर बॉडी है और जो स्टेचुटर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनी हुई है। आज का हमारा जो जम्मू का उद्देश्य है, वो 3 महत्वपूर्ण MOUs को साइन करने का है। सबसे पहले हमने आयन जम्मू के साथ में अगस्त महीने में एक MOU साइन किया था एकेडमिक कनेक्ट का, जिसे आज हमने वापस फिजिकल मोड में जाके उनको दोहराया है। उनके साथ में कई सारे हमने डिस्कशंस किए हैं और अपने सदस्य और स्टूडेंट्स के लिए विभिन्न प्रकार के एकेडमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम पे बात की है, जहाँ पे आयन जम्मू के जो 3 कैंपस हैं, जम्मू में, श्रीनगर में और लद्दाख में, इन तीनों के साथ मिलकर भारतीय कंपनी सचिव संस्थान जॉइंट प्रोग्राम्स करेगा। और साथ में अभी उनका PhD का एक कार्यक्रम है, जिसमें कंपनी सेक्रेटरीज एलिजिबल हैं और कंपनी सेक्रेटरीज आयन जम्मू से PhD कर पाएंगे। इस तरीके से ये हमने लगभग आज जो देश में 20 आयन हैं, उसमें से 15 आयन के साथ में हम MOU कर चुके हैं। और आयन जम्मू उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरे जम्मू कश्मीर में तीनों जगह अपनी भूमिका को निर्वाह करता है। दूसरा MOU जो है, वो आज हमने जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ में साइन किया। जम्मू यूनिवर्सिटी देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी है, क्योंकि जो जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें जम्मू यूनिवर्सिटी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में से आती है और बहुत बड़े एरिया को सर्व करती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे कॉलेजेस को वो सर्व करती है। जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ में हमने जो MOU साइन किया है एकेडमिक कनेक्ट के नाम से, उसमें हमारे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला जो है, वो है जम्मू कश्मीर में जो भी ये जम्मू यूनिवर्सिटी का टॉपर होगा ग्रेजुएशन का या पोस्ट ग्रेजुएशन का, कॉमर्स का या लॉ का, उसको हम लोग सिग्नेचर अवार्ड देंगे, जो उनकी कन्वोकेशन सेरेमनी होती है उसमें सिग्नेचर अवार्ड एक हम गोल्ड मेडल देते हैं टॉपर को। साथ ही में जो दूसरे 3 बच्चे हैं, जो टॉप 3 बच्चे हैं, उनको हम एडमिशन देते हैं CS में फ्री ऑफ कॉस्ट। पर इन सबको बताने के पहले एक जो महत्वपूर्ण स्कीम हमने जम्मू कश्मीर के विद्यार्थियों के लिए चालू की थी, वो है फीस वेवर, 100% फीस वेवर। मीडिया के मित्रों से मैं वापस ये अनुरोध करूंगा कि इस पॉइंट्स को विशेष हाईलाइट करें कि जम्मू कश्मीर का कोई भी विद्यार्थी यदि कंपनी सचिव बनना चाहता है, तो वो बिना कुछ भी फीस दिए 100% फीस वेवर स्कीम के थ्रू कंपनी सचिव बन सकता है। ये स्कीम जो है, वो हमने कुछ स्टेट्स में चालू की थी, साथ में नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए और हिमाचल प्रदेश के लिए हमने 50% फीस वेवर किया था, पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए हमने 100% फीस वेवर किया है। यानी कोई भी विद्यार्थी बिना फीस दिए कंपनी सचिव बन सकता है। हमारा उसका उद्देश्य यह नहीं था कि यहाँ के विद्यार्थी फीस नहीं दे सकते हैं या फीस देने के लिए कुछ इकोनॉमिक हमने क्राइटेरिया रखा है, पर जम्मू कश्मीर एक विशेष स्थान रखता है देश में, देश का सिरमौर है, देश का ताज है, देश का शीश है। तो यहाँ के विद्यार्थी वापस मुख्य धारा में जुड़ के किस तरीके से देश के कॉरपोरेट गवर्नेंस में मुख्य भूमिका निभा सकते हैं, इसलिए हमने फीस वेवर स्कीम रखी है। उस फीस वेवर स्कीम को ध्यान में रखते हुए ये तीनों जो MOUs हैं, आयन जम्मू के साथ, जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ और जम्मू कश्मीर के एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी एक स्कीम जो हमारी एकेडमिक कनेक्ट की है, उसमें एक लाइब्रेरी सेटअप है। यहाँ के जितने भी कॉमर्स कॉलेजेस हैं, वहाँ पे हम एक लाइब्रेरी सेटअप करेंगे। वहाँ पे हम लोग हमारा जितना भी स्टडी मटेरियल है, वो सब हम प्रोवाइड करेंगे, ताकि स्टूडेंट्स उसको रेफर कर सके। कैरियर अवेयरनेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज विद्यार्थी जितना स्मार्ट हैं, जितने वो हर चीज़ में परिपक्व हैं, IT का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, सारे कोर्सेज की उनको अवेयरनेस है, तो वहाँ पे हम लोग उन्हें प्रोफेशनल कोर्सेज से भी अवेयर करना चाहते हैं। ये उनके ऊपर है कि वो कौन सा कोर्स सिलेक्ट करते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने ये एक कैरियर अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है। इसके अलावा फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जहाँ पे जम्मू यूनिवर्सिटीज़ की जो फैकल्टीज़ हैं, वो हमारे साथ मिलके विभिन्न प्रकार के फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करें। हम उन फैकल्टीज़ को ये बताना चाहेंगे
कि गवर्नेंस में, कॉरपोरेट गवर्नेंस में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी बोर्ड मीटिंग्स करती हैं, कॉरपोरेट गवर्नेंस के प्रोग्राम्स करती है, उनमें वो फैकल्टीज किस तरीके से भूमिका निभा सकती हैं। तो ये आज एमओयू हमने जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ किया और मुझे लगता है काफ़ी सारे विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे और जम्मू ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा है, जम्मू में काफ़ी सारे विद्यार्थी सीएस कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा कुछ स्टैटिस्टिकल डाटा है वो उसके बाद बताऊँगा। तीसरा हमारा जो एमओयू है वो शायद हिंदुस्तान में अपनी किस्म का ये पहला एमओयू है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आईएम हमने लगभग 15 कर लिए हैं, यूनिवर्सिटीज़ हमने 50 कर ली हैं, पर किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ हम पहली बार एमओयू साइन कर रहे हैं और ये स्टेट गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है, जम्मू कश्मीर के सरकार के साथ में हम कर रहे हैं। और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे कमिश्नर और सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हायर एजुकेशन श्री रोहिल्ला साहब का, जिन्होंने स्वीकृति प्रदान की है इस एमओयू को साइन करने के लिए। इस एमओयू के तहत हम फ्री सीएसईटी क्लासेस, हमने जो 100% फीस वेवर स्कीम रखा है वो जितनी भी स्टेचुटरी फीस है वो हमने माफ़ कर दी, पर स्टूडेंट्स को एकेडमिक सहायता लेने के लिए, कोचिंग क्लासेस के लिए अलग अलग कोचिंग्स में जाना पड़ता है जिनकी फीसेस लगती हैं, तो वो 100% फीस वेवर हमारा जम्मू चैप्टर जो है वो बहुत ही एक्टिव चैप्टर है, उसके साथ में मिलके हमारे जो जम्मू चैप्टर के मेंबर्स हैं वो इन स्टूडेंट्स के लिए सीएसईटी की क्लासेस चलाएंगे और वो सीएसईटी की क्लासेस पूरी तरीके से निःशुल्क होंगी, फ्री होंगी। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिलके हम दूसरे इनिशिएटिव्स भी लेंगे, उनके स्कूल्स और कॉलेजेस में मिलके किस तरीके से हम लाइब्रेरी सेटअप कर सकते हैं और दूसरे कोलैबोरेशन कर सकते हैं, ये सारे चीज़ों के ऊपर हमने चर्चा की है। जम्मू कश्मीर का एक और जो महत्वपूर्ण हिस्सा है लद्दाख, हमने लद्दाख अभी जो नई यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे भी हमने स्टडी सेंटर इस्टेब्लिश किया और हम पहले संस्थान थे जहाँ पे हमने स्टडी सेंटर इस्टेब्लिश किया। लद्दाख के स्टूडेंट्स भी इन सारी स्कीम्स में कवर होंगे और 100% फीस वेवर है। मैं कुछ आपको डाटा भी बताना चाहता हूँ, आज हमारे जो जम्मू कश्मीर में मेंबर्स हैं वो लगभग जम्मू में हमारे लगभग 35 कंपनी सचिव हैं जो काम कर रहे हैं और लगभग 35 कंपनी सचिव कश्मीर में काम कर रहे हैं, लगभग 60-70 कंपनी सेक्रेटरी हैं जो जम्मू कश्मीर में मिला के काम कर रहे हैं, पर यहाँ पे लगभग 10,000 कंपनीज़ हैं और काफ़ी सारे पीएसयूज़ हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जिसमें कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट मैंडेटरी है कॉरपोरेट गवर्नेंस के हिसाब से, कंपनीज एक्ट के हिसाब से और दूसरे विभिन्न कानूनों के हिसाब से। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है कंपनी सेक्रेटरीज़ की वो बहुत ज़्यादा है, पर कंपनी सेक्रेटरीज़ कम हैं, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स में अब पिछले कुछ समय से, जब से हमने फीस वेवर स्कीम भी लागू की है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसमें आए हैं। जम्मू में लगभग 450 स्टूडेंट्स हैं और टोटल जम्मू कश्मीर में मिला के लगभग 1,000 से 1,100 स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग स्ट्रीम में, हमारे फाउंडेशन में और प्रोफेशनल में। अभी हमने एक नया कोर्स, नया पैटर्न चालू किया है सीएसईटी, कंपनी सेक्रेटरीज एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। इसके तहत लगभग साल में 4 बार एग्ज़ाम होती है जिसमें एंट्रेंस के द्वारा कंपनी सेक्रेटरीज एग्जीक्यूटिव में और प्रोफेशनल में आ सकते हैं। इसके अलावा हमारी कुछ ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको एमओयू के बारे में था। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है जो आई थिंक जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमारे लिए बहुत ही टची भी है, हम बहुत इमोशनल हैं। हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग मोमेंटोस और बुकेस देने की जगह हम कुछ राशि शहीद की बेटी सर्टिफिकेट, जो हमारा एक फंड है, उसमें इकट्ठा करेंगे। अभी हमने डिफेंस मिनिस्टर को 5 लाख रुपए इसमें डोनेट किया और टोटल अभी तक 25 लाख रुपए हम इस शहीद की बेटी इनिशिएटिव में दे चुके हैं। ये जो इनिशिएटिव है इसका उद्देश्य ये है कि जो भी हमारे शहीद भाई बहन हैं उनकी जो बेटियाँ हैं वो पढ़ सकें, उनके लिए हमने एक फ़ंड बनाया है, उस फंड में हम ये पैसा देते हैं जिससे उनकी पढ़ाई के लिए वो पैसे का उपयोग हो सकता है। ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है, हम लोगों ने इस पूरे लॉकडाउन में बहुत सारे वेबिनार्स किए, बहुत सारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट के प्रोग्राम किए और सारी इंडस्ट्रीज़ के सारे ब्यूरोक्रेट्स के काफ़ी सारे लोगों को हमने बुलाया, मेंबर को अवेयरनेस की। आईएम जम्मू के साथ में भी हमने एक स्पेसिफिक वेबिनार किया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए फ्री कोचिंग क्लासेस, क्योंकि इस पूरे लॉकडाउन में पूरे देश भर के विद्यार्थी जो हैं उन्हें एग्ज़ाम्स तो दी हैं, अभी दिसंबर में आज हमारा आखिरी पेपर था, एग्ज़ाम्स हमारी संचालित हुई, पर उन्हें एजुकेशन में उन्हें हैंड होल्डिंग मिल सके उसके लिए हमने फ्री क्लासेस पूरे ऑल ओवर देश में सारे विद्यार्थियों के लिए चलाई है। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं। मैं वापस एक बार अनुरोध करूँगा आपके सवाल लेने के पहले कि जम्मू कश्मीर की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। इस पूरे लॉकडाउन में मैं एज अ प्रेसिडेंट
कहीं भी जगह फिजिकली विजिट नहीं कर पाया, पर जम्मू कश्मीर हमारी प्रायोरिटी है, देश की प्रायोरिटी है, हमारे सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मैं यहाँ पर पर्सनली आया हूँ। आप सबके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज पूरे विद्यार्थियों के पास और उनके पेरेंट्स के पास और उनके टीचर्स के पास सब जगह पहुँचे, क्योंकि कैरियर डिसाइड करने में विद्यार्थियों से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो उनके पेरेंट्स निभाते हैं, और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनके टीचर्स। तो सब लोगों के पास ये मैसेज जाए कि जम्मू कश्मीर के विद्यार्थी 100% फीस वेवर स्कीम में कंपनी सचिव बन सकते हैं, और उन्हें कंपनी सचिव जैसा एक प्रोफेशन मिल रहा है जहाँ पे वो देश के कॉरपोरेट को सर्व कर सकते हैं, वो खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, वो दूसरों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी सेक्रेटरी बन के जम्मू कश्मीर के विद्यार्थियों को मिल सकती है, और वो इस दिशा में आगे आएँ। उन्हें जो भी सपोर्ट चाहिए उसके लिए हमारे जम्मू में भी और श्रीनगर में, दोनों जगह हमारे चैप्टर्स हैं, लद्दाख में हमारा स्टडी सेंटर्स है, तो वहाँ पर वो जाके पूरा गाइडेंस ले सकते हैं, और हमारे सारी चीज़ें ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी वो देख सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर की दिशा में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, जिसके लिए हमारा इंस्टीट्यूट भारतीय कंपनी सचिव संस्थान हमेशा तत्पर है।